वहीं मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है, जो मानक है उससे भी कम संख्या है। तो सवाल है कि फिर मरीजों का बेहतर इलाज कैसे होगा, कितने लोगों पर कितने डॉक्टर हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में डॉक्टरों की है भारी किल्लत, बेहतर इलाज में हो रही है दिक्कत। कागजों में भले ही डॉक्टरों की संख्या आबादी के लिहाज से ठीक हो, लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश में तय मानक से भी कम डॉक्टर हैं। आंकड़े बताते हैं कि आबादी के लिहाज से 77,000 डॉक्टर होने चाहिए, हकीकत में सिर्फ 22,000 डॉक्टर हैं, यानी करीब 3400 लोगों पर एक डॉक्टर है। मानक के मुताबिक प्रति 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, यानी जो तय मानक है उससे 3 गुना कम डॉक्टर हैं। सवाल है कि हर मरीज का आसानी से इलाज कैसे हो पाएगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बदहाल हैं। जहां 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, मध्य प्रदेश में 3,500-4,000 लोगों के बीच में एक डॉक्टर है। सरकार में लगभग 50,000 स्वास्थ्य विभाग में पद खाली पड़े हैं। कोविड के समय जिन टेम्प्रेरी डॉक्टरों को रखा गया था, उनकी भी सेवाएं समाप्त कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की वजह से प्रदेश की जनता को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुखिया बने हैं, उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य मिले इसके लिए हमेशा प्रयास सरकार ने किए हैं। और रही बात भर्ती की, तो सरकार प्रयास में है कि चिकित्सकों की भर्ती हो और जो कानूनी अड़चनें जो आ रही हैं उनको दूर करके जल्द से जल्द सरकार चिकित्सकों की भर्ती करेगी, कमी को पूरा करेंगे और लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी क्यों है? तो दरअसल इसके कई कारण हैं। मसलन डॉक्टर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। हर साल 3,000 डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, इनमें से 800 हर साल प्रदेश छोड़ देते हैं। दूसरे राज्यों में डॉक्टरों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, कुछ वेतन और प्रमोशन विसंगतियां भी हैं। प्रदेश में सिर्फ 13 सरकारी और 11 निजी मेडिकल कॉलेज ही हैं। 10 साल में सिर्फ 8 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। दूसरे राज्यों में 50 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। MBBS के अलावा PG की सीटें भी अन्य राज्यों से कम हैं। नए डॉक्टर्स मिलने में समस्या इसलिए होती है क्योंकि MBBS करने के बाद जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो PG की तैयारी करते हैं। एक अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होते तो दूसरा अटेम्प्ट, फिर वो उनको मन का सब्जेक्ट नहीं मिलता तो तीसरा अटेम्प्ट, ऐसे ये बीच में 2-3 साल का लेक्यूना बन जाता है। और फिर PG करने के बाद डॉक्टर्स को बॉन्ड भराया जा रहा है। सरकार ने भी प्रयास किए कि आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा और 1 साल आपको सरकारी नौकरी करनी ही पड़ेगी। तो उस रूप में भी हमें डॉक्टर्स मिल रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में मिलते हैं, वो भले ही वो PG रहते हैं। शासन ने एक और निर्णय लिया कि 65 साल की उम्र में जो डॉक्टर्स सेवानिवृत्त हुए हैं, यदि वो चाहें तो 67 साल मतलब 2 साल और अपनी सेवाएं सरकार को दे सकते हैं सैलरी के साथ। बहुत से डॉक्टर्स ने इसमें भी आवेदन किए हैं और इसके लिए संभाग कमिश्नर महोदय को अधिकृत किया हुआ है। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में 704, 2020 में 1,102, 2021 में 1,188 डॉक्टरों ने पलायन किया, 2022 में 110 डॉक्टर NOC ले चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार भर्ती की कोशिश नहीं कर रही है, प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टरों का सरकारी नौकरी से मोह भंग हो चुका है। जब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी और कथित विसंगतियां दूर नहीं होंगी, प्रदेश में मानक के लिहाज से डॉक्टरों का होना मुश्किल है।
प्रदेश में डॉक्टरों की कमी अभी से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से बनी हुई है और इस कमी को दूर कर पाने में सरकार के तमाम प्रयास नाकाम साबित हुए हैं। हर साल मेडिकल कॉलेजों से बड़ी संख्या में छात्र MBBS और MD की पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। वजह इसके पीछे बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अब ज़रूरत यह है कि सरकार इन वजहों को तलाशे और डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करे। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि डॉक्टरों की भर्ती लगातार हो रही है, लेकिन जितने रखे जाते हैं उससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं, इसीलिए कमी बरकरार रह जाती है।